होते हैं उन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को देख लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर तो जो है, वो 156 हैं, कि आपका जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें 123 थी, उसको किया गया, दिया गया, जहां पे जो कैटेगरी वाइज सीट्स है वो जनरल के लिए 78 हैं, ओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 21, वन शेड्यूल कास्ट के लिए 25 और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 32 सीट्स हैं तो ये कैटेगरी वाइज सीड्स हैं और सीड्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं तो चलिए इसको देख लेते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन तो इस एग्जाम की अगर नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पेपर इजी था इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे इस एग्जाम में कोई क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे हालांकि कुछ स्टूडेंट जो हैं उन्होंने बहुत इजी इजी से क्वेश्चंस में कुछ गलतियां कर दी हैं जो कि हर किसी से हो जाती है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है बहुत आसान होता है फिर भी वो गलत हो जाता है लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है तो अगर हम यहाँ पेपर की बात करें तो पेपर यहाँ पे इजी था नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है किसी भी एग्जाम के कट ऑफ के ऊपर जाने में इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी फिर हम बात कर लेते हैं अटेंडेंस की तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है एग्जाम में अपियर हुए हैं क्योंकि एम ने होम स्टेट में भी बहुत सारे सेंटर दिए थे इसीलिए बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को छोड़ा है तो अटेंडेंस भी अगर आप मान के चले तो अच्छी खासी थी इस एग्जाम में तो फाइनली आइए हम कट uh, ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस एग्जाम के लिए तो देखिए जनरल का जो कट ऑफ है वो 120 से 122 के बीच में जा सकता है इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद में लास्ट ईयर देखिए 252 सीट्स थी हालांकि लास्ट में एक सीट यहां पे रिड्यूस कर दिया गया था 251 सीट्स थी तो यहां पे जो है जनरल का कट ऑफ एक नंबर गया था लगभग लगभग सौ सीट जो हैं वो ज्यादा थी तो और पेपर का लेवल जो है वो इतना इजी नहीं था और बहुत टफ भी नहीं था लास्ट ईयर 111 कट ऑफ गई थी तो इस बार आपका जो है कट ऑफ एक सौ से 122 के बीच में ही रह सकता है जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी के लिए 113 से 115 के बीच में रह सकता है क्योंकि इनकी सीट्स कम है सिर्फ 21 सीट ही है ओबीसी की एससी की जो है वो 90 से 92 के बीच में जा सकती है कट ऑफ और एसटी की 84 से 85 के बीच में या आ, आप कह सकते हैं कि मतलब आ, एटी टू से एटी फाइव के बीच में एस टी की कट ऑफ जा सकती है तो ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और जो लोग भी इसके अंदर आ रहे हैं जिनका नंबर भी इस रेंज में आ रहा है वो लोग अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं थैंक यू